सुपरस्टिशन या अंधविश्वास के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, पर आपको बता दूं, सुपरस्टिशन स्पोर्ट्स में भी कोई नई बात नहीं है। बॉस्टन रेड सॉक्स को 86 साल लगे बैम्बिनो कर्स को ब्रेक करने में। ब्रॉडवे जो ने डेविल के साथ डील की और जेट्स तब से अभी तक कुछ भी नहीं जीती। और बात करूं बिली गोट कर्स के बारे में, जिसने शिकागो कप्स को 71 साल परेशान किया जब तक उन्होंने 2016 में वर्ल्ड सीरीज को जीत नहीं लिया। अब आपको बताता हूं स्पोर्ट्स हिस्ट्री के सबसे बड़े कर्स के बारे में, जो किसी और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट फुटबॉल से है। बेनफिका, जो कि पोर्टुगल का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब है, वो सदी के सबसे लंबे हैक्स ट्रैप में फंसा हुआ है। कहानी शुरू होती है 1960 से। फेमस हंगेरियन कोच बेला गटमैन, जिसको उस टाइम का जोशुआ मेरिनो भी कह सकते हैं, ने बेनफिका को 1959 में ज्वाइन किया और बिना ज्यादा समय गवाए 20 सीनियर प्लेयर्स को बाहर कर दिया ताकि यंगस्टर्स को बढ़ावा मिल सके। रियल मैड्रिड उस टाइम भी बहुत डोमिनेटिंग टीम थी, लगातार 5 यूरोपियन कप्स जीत चुकी थी, लेकिन गटमैन के बेनफिका ने रियल की ये स्ट्रीक तोड़ दी। बेनफिका ने 1961 में बार्सिलोना को 3-2 से हराया और उसके एक साल बाद रियल मैड्रिड को 5-3 से हराकर दूसरा कप भी अपने नाम कर लिया। 2 ट्रॉफीज जीतने के बाद गटमैन क्लब स्पोर्ट के पास गए और अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंटोनियो कार्लोस ने इस बात से इनकार कर दिया और क्लब स्पोर्ट के सामने उनके डिमांड की इंसर्ट कर दी। गटमैन को इस बात पे बहुत गुस्सा आया और वो स्टेडियम से बाहर जाते हुए कुछ ऐसा बोल के गए जिसे बेनफिका फुटबॉल क्लब और उसके फैंस आज तक नहीं बोल पाए। Not in 100 years will Benfica win a European Cup. और इसी से शुरुआत हुई गटमैन कर्स की। इस बात को 54 ईयर्स हो गए। बेनफिका 8 बार यूरोपियन कप्स के फाइनल में पहुंची पर आज तक एक बार भी नहीं जीती। बेनफिका की सबसे पहली हार 1963 में वेम्बले स्टेडियम ने देखी, जिसमें बेनफिका मिलान से 2-1 से हारी। फुटबॉल हिस्ट्री का ये पहला मैच था जिसमें 4 सब्स्टिट्यूशंस अलाउ किए गए। फाइनल मैच में एक खतरनाक टैकल ने स्टार प्लेयर मारियो कोलिना को इंजर्ड कर दिया, जिसकी वजह से बेनफिका को फिर से हार देखनी पड़ी। बेनफिका 2 साल बाद सैन सीरो पहुंचे और वहां पे भी उन्हें इंटर के खिलाफ 2-0 से हार का सामना करना पड़ा, जिसमें बेनफिका के गोलकीपर कोस्टा पेरेरा ने आसान सा सेव मिस किया जो उनके पैरों के बीच से चला गया। गटमैन प्रोफेसी धीमे धीमे मोमेंटम पकड़ने लगी जब 1968 में बेनफिका को इसे ब्रेक करने का एक और मौका मिला। 90th मिनट तक मैच का स्कोर 1-1 ड्रॉ चल रहा था। दिए गए एक्स्ट्रा टाइम में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 3 गोल मारकर फाइनल स्कोर 4-1 कर दिया और इसी के साथ बेनफिका को एक और हार झेलनी पड़ी। उसके बाद बेनफिका को यूरोपियन कप के फाइनल में पहुंचने के लिए 20 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन फाइनल मैच में पीएसवी से पेनल्टी में 5-6 से फिर से हार गई। 2 साल बाद बेनफिका को एक और मौका मिला जब बेनफिका और एसी मिलान फाइनल में पहुंचे। ये फाइनल मैच ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में खेला गया। ये वो जगह थी जहां गटमैन को दफनाया गया था। कहते हैं बेनफिका के लेजेंडरी प्लेयर यूसीबो मैच से पहले गटमैन की ग्रेव पर माफी मांगने भी गए और बेनफिका को कर से रिलीज करने की प्रार्थना भी की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और 2000 आते आते बेनफिका कमजोर पड़ने लगा। लेकिन कोच जॉर्ज जीजस के अंडर 2013 में बेनफिका यूरोपा कप के फाइनल्स में पहुंचा, जहां उसने चेल्सी का सामना किया। बेनफिका पूरे मैच में डोमिनेट कर रही थी, लेकिन इवानोविच ने लास्ट मिनट में गोल मार के बेनफिका की जीत का सपना फिर से खत्म कर दिया। कर्ज को तोड़ने का बेनफिका का 8वां और सबसे रीसेंट अटेम्प्ट 2014 में फिर से यूरोपा कप में ही हुआ, जिसका फाइनल सिल्विया में खेला गया। मैच से पहले बेनफिका के कोच जॉर्ज जीजस ने कर्ज से बचने के लिए सारे प्लेयर्स पे होली वाटर का छिड़काव किया, लेकिन उसके बाद भी पेनल्टी में 4-2 से हार गए। लेकिन इतनी सारी हारों के बाद भी बेनफिका के हौसलों में कोई कमी नहीं है और इस साल वो फिर उतरेगी चैंपियंस लीग में अपने इस कर्ज को तोड़ने के लिए। तो देखते हैं क्या इस चैंपियंस लीग में बेनफिका अपने 55 साल पुराने कर्ज को खत्म कर पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, ये प्रोफेसीज और सुपरस्टिशंस सच में होते हैं या ये हमारे दिमाग का एक वहम है? अगर आपकी लाइफ में भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई सुपरस्टिशन है तो कमेंट्स में हमसे जरूर शेयर करें।